जिले में कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से आ रहा है? प्रॉपर मंदसौर की नगर पालिका का क्षेत्र रेड जोन में है, तो हम लोगों ने रेड जोन के हिसाब से जो इंस्ट्रक्शन निकाले हैं उसमें सवेरे 8 बजे से 2 बजे तक जो गतिविधियां हैं शहर में वो होंगी, व्यावसायिक गतिविधियां। जो उसमें प्रोहिबिटेड गतिविधियां हैं उसकी लिस्टिंग भी की गई है, और जिस तरह के प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स लेने हैं जो व्यवसायी हैं उनको, जो बाजार में आ रहे हैं उनके लिए, उसकी भी जानकारी उसी आदेश में दी गई है। और हम लोग ये चाहेंगे कि इसका सख्ती से पालन किया जाए, क्योंकि व्यावसायिक गतिविधियों के साथ साथ कोरोना के संक्रमण को रोकना हमारी महती आवश्यकता है। तो आप सभी जब अत्यंत आवश्यक हो तभी आए, जो आपको व्यवसाय करना हो या जो सामग्री आपको खरीदनी हो वो खरीदें, और उस दौरान पूरी तरीके से सेफ्टी का पालन करें। कभी भी दुकान पर 5 से अधिक व्यक्ति उपस्थित न हो, और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का सख्ती से पालन किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी यही आदेश? ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीन जोन है पूरा हमारा इलाका, तो इसलिए उसमें हमने सभी एक्टिविटीज़ जो प्रोहिबिटेड है उसके अलावा बाकी चीज़ें बिजनेस एज यूजुअल शुरू किया है। उसमें कोई ऐसा हमने यहाँ से टाइम का फ्रेम नहीं तैयार किया है, और जो बिजनेस जिस तरीके से होता रहा है वैसे प्रिकॉशन के साथ वो वहाँ कर सकते हैं। और स्थानीय स्तर पर अगर कोई वहाँ डिसाइड करने की ज़रूरत पड़ती है तो स्थानीय स्तर पर SDO तहसीलदार इसमें निर्णय ले सकते हैं। जिले में हैं, आज भी जिले के कई हिस्सों में टिड्डी दल ने अपना मूवमेंट दिखाया था, उन्हें उन पर खत्म लगातार किया जा रहा है, किस तरीके से प्रशासन की टीम का जो ये फ्लो शुरू हुआ है? आज हमारी जो लोकस्ट कंट्रोल टीम है राजस्थान में उनके हेड से भी बात हुई थी, और उन्होंने ये बताया है कि अभी ईस्ट अफ्रीका और पाकिस्तान की तरफ से ये टिड्डी दल लगातार आ रहे हैं, और बारिश के पूर्व तक इसके आने की लगातार संभावना है। आज भी 3-4 ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि राजस्थान से बॉर्डरिंग मध्य प्रदेश की तरफ आए हैं, और वो शाम में हो सकता है कि जिले के भीतर कहीं सेटल हो। हमारी पूरी टीम लगातार तैयार है, और जहां भी ये सेटल होती है वहां पर हम फिर स्प्रे की कार्रवाई करते हैं। लोकस्ट की जो सेंट्रल टीम है वो आती है, और हमारे जो किसान विकास केंद्र के लोग हैं, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, DDA हैं, और हमारे रेवेन्यू और पुलिस के ऑफिसर्स हैं, वो ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। हम लगातार 3 दिन से इस काम को कर रहे हैं, और जब तक ये आते रहेंगे तब तक हम कार्रवाई करते रहेंगे। हम लोग लगातार इस बात के प्रयास कर रहे हैं कि ज़िंदगी सामान्य रूप ले, और हर प्रोफेशन अपनी SOP के साथ कोरोना के संक्रमण से बचते हुए अपना काम शुरू करे। जो हायर एजुकेशन के लोग थे उन लोगों से हम लोग लगातार डिस्कशन कर रहे थे, और हमने जो अपनी HR टीम बनाई थी उसमें भी हायर एजुकेशन और कॉलेज के काफ़ी बड़े प्रोफेसर्स थे। उन सभी लोगों ने गूगल क्लास को एक बड़े अच्छे मीडियम के रूप में डेवलप किया है, जिसमें कि 300 से 400 लोग भी एक साथ जुड़ सकते हैं। और इस गूगल क्लास के माध्यम से बहुत सारे प्रोफेसर्स ने अपने क्लास ऑर्गेनाइज किया है, और इसकी सुविधाओं को देख के हम ये और लोगों को भी ये कहना चाहेंगे कि वो इस तरह के इनोवेशंस के साथ अपना काम शुरू करें, क्योंकि जब हम काम में वापस लगते हैं तो हमारी मोनोटोनी भी टूटती है और हमारा वर्क डन भी होता है। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा सामने आया है, और स्कूल्स के जो हायर क्लासेज हैं उनमें भी हम इस प्रयोग को आगे बढ़ाएंगे। उपार्जन केंद्रों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, और अभी तक हम लोगों ने जो हमारा टारगेट था उससे काफ़ी आगे उपार्जित किया है। पिछले साल 1,13,000 मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हुआ था, और अभी लगभग 2,50,000 मैट्रिक टन हम खरीद चुके हैं। अभी 4-5 दिनों का उपार्जन और शेष है, तो हम लोग यथासंभव जो भी किसान हैं उनके सभी का उपार्जन कर रहे हैं। बस उनसे अपील ये है कि जिस दिन का SMS हो केवल वही किसान उस दिन आए, तो व्यवस्था बनी रहेगी। जो बीच में बारदाने की और स्पेस की समस्याएं आई थी उसको भी हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया है, तो उम्मीद करते हैं कि अगर जिसका SMS है वही आता है और उसी दिन आता है तो आने वाले दिनों में भी कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं होगी।